आखिर जीवन होता क्या है? सबसे पहले इसे समझना होगा। क्या जीवन का अर्थ आगे बढ़ना या पहले आना है, या अहंकार से भर अन्य सभी को हीन मानना है? जीवन इससे कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा ऊंचा है। हमें आगे आकर इसे समझना ही होगा। नए शिल्प से जीवन को सतरंगी रंग से भरना होगा। जीवन तो सबसे मिलकर है, जीवन तो जीने का ढंग है। इसी शिल्प का आओ नव निर्माण करें, जिएं और सभी को जीने का अधिकार दें। डीएलए सिटीजन ऑफ द ईयर 2017 से सम्मानित सतीश चंद्र गुप्ता के ही लिखे ये शब्द हैं, जो जीवन के सार को एक सूत्र में पिरोते नजर आते हैं। 28 जुलाई सन 1929 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दंपत्ति देवकी नंदन विभव और मां चंद्रावती के कचहरी घाट में टीले वाली गली स्थित घर पर सतीश जी का जन्म हुआ। पिता की हिंदुस्तान म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी हुआ करती थी। प्राथमिक शिक्षा मुफीदेआम इंटर कॉलेज में हुई, जो उस समय बेलनगंज में हुआ करता था। चूंकि देश उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और माता पिता दोनों स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, सतीश जी के जन्म से लेकर किशोर होने तक पिता अधिकांश समय इसीलिए जेल में ही रहे। माँ भी 2.5 साल उम्र के छोटे भाई सुरेश चंद्र गुप्ता को गोद में संभाले जेल में ही थी। 1943 में जेल के दौरान तबीयत बिगड़ने पर माँ का 30 वर्ष की अल्प आयु में ही निधन हो गया। इस कठिन परिस्थिति में सतीश जी को 12 साल की छोटी सी उम्र में ही पिता को पेरोल पर रिहा कराने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के चक्कर काटने पड़े। पिता को पेरोल बहुत कम समय की मिली, इसी कारण सतीश जी ने खुद ही मां का अंतिम संस्कार किया। ये घटना इस छोटे से बालक के दिल और दिमाग पर बहुत गहरी छाप छोड़ गई। अंग्रेजों की जकड़ से देश को आजाद कराने के लिए सतीश जी ने 13 साल की उम्र में खुद पत्रक छपवाकर घर घर बांटे। आर्थिक स्थिति उस समय ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक समय की रोटी मिलने के बाद दूसरे समय का ठिकाना नहीं था, लेकिन शिक्षा से परिवार ने कोई समझौता नहीं किया। 10वीं करने के बाद अपने एक मित्र के साथ बिरला कॉलेज पिलानी चले गए। वहां से कॉमर्स में 12वीं करने के बाद आगरा वापस आ गए और बलवंत राजपूत कॉलेज से 1948 में बीकॉम किया। पिता देवकी नंदन विभव की इच्छा थी कि सतीश इंग्लैंड जाएं, वहां पढ़ाई करें, लेकिन उनका मन अपना देश छोड़ने को नहीं था। इसलिए बीकॉम के बाद वो पिता की बीमा कंपनी में एक्टिव डायरेक्टर बनकर काम काज संभालने लगे। इधर देश आजाद होने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर पिता ने भवन निर्माण व्यवसाय आरंभ कर दिया था। पिता के साथ निर्माण व्यवसाय संभालने के साथ ही 1950 में श्यामा देवी के साथ वैवाहिक बंधन में बंध गए। 1952 में बड़े पुत्र सुशील गुप्ता का जन्म हुआ और 2 साल बाद बेटी रेखा का। 2 साल के अंतराल के बाद छोटे बेटे सुनील ने जन्म लेकर परिवार को खुशियों से चहकाया। उस समय आगरा कॉलेज में इकोनॉमिक्स विभाग में प्रोफेसर मित्र के सुझाव पर परास्नातक करने के लिए नागपुर विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स में प्राइवेट परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया। रिजल्ट आया तो पता चला कि उन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप की है और राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीता रमैया के हाथों से गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 1955 में उनकी बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण हो गया और उसे सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। सतीश जी की पढ़ाई में रुचि पूरी थी। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जहां देश भर से मात्र 6 विद्यार्थियों का चयन हुआ, उनमें से एक वो भी थे। यहां पढ़ाई के दौरान स्कॉलरशिप भी मिली। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ हिमालयन रीजन पर किए गए शोध के चलते उनका 1961 में भारतीय आर्थिक सेवा में चयन हो गया और योजना आयोग से मध्य प्रदेश में तैनाती मिली। 3 साल मध्य प्रदेश, फिर 3 बरस उत्तर प्रदेश और उसके बाद दिल्ली ट्रांसफर। इस अवधि के दौरान परिवार आगरा में ही था। पिताजी देवकी नंदन विभव 1970 में उत्तर प्रदेश सरकार में उद्योग राज्य मंत्री बने, उसके बाद परिवहन मंत्री। अपनी व्यस्तता और परिवार की जरूरतें देखकर भारतीय प्रशासनिक सेवा से त्याग पत्र देकर वो आगरा लौट आए और भवन निर्माण के अपने पैतृक व्यवसाय को ही संभालने लगे। यहां आकर समाज एवं उद्योगों के उत्थान में भी जुट गए और नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के सन 1969 में अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद से लगातार 3 वर्ष तक चुनाव में सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने जाते रहे।
अपने अध्यक्ष पद के कार्यकाल में उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आगरा रीजन प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स भी प्रकाशित की। छोटे भाई सुरेश चंद्र गुप्ता के साथ मिलकर भवन निर्माण के क्षेत्र में कार्य करते हुए गांधीनगर, न्यू आगरा, विभव नगर, विभव वाटिका रुनकता, विभव नगर फिरोजाबाद, विभव नगर हाथरस का निर्माण भी उन्होंने किया। पिताजी चूंकि उनके आदर्श थे, इसलिए राजनीति के प्रति रुचि पैदा होना भी स्वाभाविक ही था। लिहाजा सन 1985 में कांग्रेस के टिकट पर आगरा पूर्वी से भारतीय जनता पार्टी के सत्य प्रकाश विकल के खिलाफ चुनाव लड़े। मतगणना में गड़बड़ी होने पर उन्हें हारा हुआ घोषित किया गया। इस पर हाईकोर्ट की शरण ली। भारतीय राजनीति के इतिहास में ये पहली दफा हुआ कि आगरा से सभी मत पेटिकाओं को हाईकोर्ट मंगाया गया। हाईकोर्ट परिसर में ही रिकाउंटिंग हुई और सतीश चंद्र गुप्ता को विजयी घोषित किया गया। चुनाव होने के 4 साल बाद आए फैसले पर मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने शपथ ग्रहण कराई और 1 साल के लिए वो विधायक रहे। सन 1994 में कांग्रेस के आंदोलन में निहाल सिंह जैन, डॉक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल के साथ वो 20 दिन के लिए जेल भी गए। योगा में पारंगत सतीश जी जब जेल में शेर दहाड़ किया करते थे तो पूरी बैरक हिल जाती थी। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं, उद्योग, समाज, राजनीति जैसे सभी मोर्चों पर सक्रिय रहने के साथ ही उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी शहर को अपना योगदान दिया। माँ के नाम पर न्यू आगरा में चंद्रावती स्कूल और विभव नगर में भारतीय विद्यापीठ की स्थापना की। आज 88 वर्ष की आयु में भी उनका नियम है कि प्रतिदिन 2-3 घंटे स्कूल को अवश्य देते हैं। अध्यात्म एवं ओशो सन्यासी सतीश जी का रुझान गीत संगीत के प्रति भी रहा है। करीब 80 साल के जब वो हो चले थे तब उन्होंने म्यूजिक टीचर को बुलाकर हारमोनियम सीखा और पत्नी श्यामा देवी के साथ सुबह भजन का गायन किया करते थे। अप्रैल 2014 में पत्नी के देहावसान के बाद वो खुद को अकेला महसूस करने लगे। जीवन के इस पड़ाव पर आकर भी सतीश जी जीवन का नया नजरिया खोजने में लग गए। इस तलाश में वो पहुंचे फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया की दुनिया में। यहाँ वो न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया के लोगों से जुड़े और लगातार अपने देशी विदेशी युवा मित्रों से मुखातिब भी होने लगे। सुबह 5 बजे पार्क की सैर, वहाँ योग और सामूहिक प्रार्थना करना उनका नियम है। उसके बाद अपने पौत्र शलभ की पुत्री टिया के साथ खेलना भी उन्हें बहुत पसंद है। ये एक ऐसे इंसान हैं जिनका व्यक्तित्व सदैव बहुआयामी रहा। इस उम्र में भी वो कपड़े पहनने के प्रति शौकीन व नाजुक मिजाज हैं और नई जगहों को देखने के लिए बेताब भी। यही वजह है कि बेटे सुशील, सुनील और बिटिया रेखा अपने बाबूजी की हर फरमाइश का ध्यान रखते हैं। परिवार में अब पिता पुत्र का रिश्ता नहीं बल्कि दोस्ताना अंदाज में बातें शेयर होती हैं। उनके जहन में बसी यादों को सुनने के लिए घर पर लोग भी आते हैं और सतीश जी भी खूब खुशी के साथ महफिलें सजाते हैं। जिस जिंदा दिली के साथ सतीश जी स्वास्थ्य एवं मस्ती के साथ जीवन को जी रहे हैं, उन्हें आगरा और DLA परिवार का सलाम।